हजरात, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे जो कि है जिमिंग। जैसे कि हमारे नौजवानों को और काफी एजेड लोगों को भी शौक होता है कभी के जिमिंग करनी भाई, फिट रखना अपने आप को, तो उस पर बात करने वाले। क्या भाई, क्या बात है, क्या ख्याल है आप लोगों? भाई जरूरत तो तुम्हें है सबसे ज्यादा, अगर देखा जाए तो भाई अलग है और साइको होना अलग है। आजकल के लोग स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, मेरा एक दोस्त है ठीक है, अब समझ जाओ तुम। तो सीन ये है कि वो स्टेरॉइड्स भी ले रहा है ठीक है, वो प्रोटीन शेक भी पी रहा है, समझ नहीं आ रहा जा रहा है। और वो ऐसा बिल्डर भाई, वो जब शर्ट मतलब टॉपलेस जाते हैं तो यूं पर टेंपरेरी बॉडी बन जाती है, लेकिन उसके मतलब साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं। मतलब वो एक फिटनेस के लिए वो सही नहीं है, मेरा कहना है और जो उनके मुंह में आता है वो उनके जो फिटनेस ट्रेनर है वो बोल देते हैं और ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। कौन सा मास है जानदार आपको बनाए शानदार, ये दवा नहीं गजा पीते जाओ ऐसी है तो कोई स्टीरॉइड पे आए हुए इस टाइप के। ऐसे तो मैंने तो बाबा बंगाली वाले भी देखे हैं, वो जो चौक पे नहीं होता आपके जिस्म को ताजा मोटा बना, जिस्म को ताजा मोटा बना, खैर उसके भी स्टीरॉइड, उसके भी अपने स्टीरॉइड है। या लेकिन हर बंदा नहीं कर सकता, जैसे भाई अब कुछ बंदे होते हैं जिनको खाना बहुत पसंद है, जैसे फैट फूड हो गया, जैसे आप हो गए अपनी बात कर रहे हो ना, मैं भाई बोले आप ढक रहे हो ना अपनी थाली को, आप ढक रहे हो। नहीं नहीं भाई, मैं प्राउड हूं अपने वेट पे यार, ऐसा नहीं है बंदे को ऐसा होना चाहिए। अभी आपका जो आपका जो दूसरा है ना वो कहते हैं शाडोला है। लेकिन तुम आधी सिंगल आधी डबल आधी ट्रिपल पसली, इस तरह तुम्हारा एक मिस्टर बना हुआ है। कहाँ से लग रहा है भाई? देखने देखने वालों की नजरों में होता है वो, खैर मतलब तुम्हारा जेलस हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं फिट बॉडी से, जेलस हो रहे हैं। तो भाई फिर और क्या कहना चाहेंगे? बस ये है कि फिट रखो। अच्छा वैसे ये मानना है कि ज्यादा हैवी वेट उठाना चाहिए लाइट वेट के हिसाब से? यार लाइट वेट होना चाहिए, अपनी बॉडी जितनी आपकी बेयर कर सकती है उतना उठाओ, उससे ज्यादा नहीं अपनी बॉडी पे जोर नहीं दो अपनी बॉडी पे यार। अच्छा किस टाइप की बॉडी, जैसे ब्रॉक लेसनर हो गया या क्रिस्टियानो रोनाल्डो? यार मेरे ख्याल से ना कॉनर मैकग्रेगर जैसी बॉडी, पहले तो खुद कह रहे हैं कि हैवी वेट नहीं उठाओ, उसके बाद कॉनर वाली बॉडी नहीं मांग रहे। कॉर्नर वाली बॉडी का मतलब है कि एक शेप है वो, इसकी शेप है वो, वर्कआउट तो चेक करो, घर में अलग, जिम में अलग और एमएमए अलग, वो करते हैं वो एक स्कीम पे जाके करते हैं। और आप एग्जांपल्स रोनाल्डो और उसकी दे रहे हो तो किसकी दूं, तुम्हारी दूं? तो भाई तू थोड़े हल्के में आ जाओ ना, जैसे रिमिस्टरी हो गया था, चाहे हाइट में थोड़ा छोटा है वो, उसका पेट निकला हुआ था। अब सेम कार है वही है ना, इसकी यार कभी फाइट नहीं निकलेगा, देखा है वो आता है तो छल जाता है एकदम से। जो मुझे रेसलर पसंद था वो था शॉन माइकल्स, उसकी बॉडी नहीं थी लेकिन लड़ता बड़ा प्यारा था। नहीं यार मुझे तुम्हारी पसंद ना पसंद किसी ने पूछी? ये बात भी है, किसी ने पूछा नहीं, अपना शुरू हो गया। ये WWE पे ले गया, कहां से कहां पे ले गया? मैं तो बॉडी के ऊपर बात कर रहा हूं, बॉडी के ऊपर नहीं बात कर रहा, आप जिमिंग के ऊपर बात करो, फिटनेस के ऊपर। अरे आजकल जो नए जिम खोल रहे हैं भाई, हर बंदा वो पता नहीं जे कटलेरी पिक्चर लगा के अपना जिम खोल देता है। हां और कुछ लोग होते हैं वो Instagram पे यूं करके यूं कट निकाल के यूं पिक्चर ले लेते तरीके। अच्छा मैंने एक बंदे को देखा, उसने Facebook पे अपने बाइसेप का डाला और बोला लड़कियों हिम्मत है तो मुझे भाई बोल के दिखाओ। मतलब वो कहना चाह रहा था कि मेरे भाई साहब इतने जबरदस्त है कि हर लड़की हाँ ये समझ गए। एक तो यार ये हमारी सोसाइटी का स्टीरियोटाइप है भाई, 8 या 12 एब्स वाले जितने भी एब्स वाले होते हैं उनके पास ये सारी चीजें होती हैं, आप समझ जाओ। तो पता नहीं भाई से मिले नहीं कभी, कितने पैक है तेरे पे? इनका पूरा एक ही पैक है, फैमिली पैक है। हां तो कितने पैक है सर बताओ?
जम भी नहीं लगते। अच्छा मैं भी ये कर सकता हूँ इंस्टाग्रामिंग वगैरह इस तरह की पोजेस देख, लेकिन करता नहीं हूँ, नजर ना लगता ना यार। बाकी मेरा अच्छी बात नहीं ना, ये है ना कि आपके ऊपर बाजू पे नजर लग गई और हाथ पे नहीं लगी, क्योंकि आपका जिस्म छाड़ोला है। क्या तुम बदतमीजी नहीं? ओके आप इनको देखो, इनको ग्लूकोज की बोतल चाहिए। बताओ इनको तो वो कौन से सिरिंज होते हैं चढ़ाने पड़ेंगे ना इनको, प्रोटीन शेक, प्रोटीन के सिरिंज। और तुम्हारा मैं सर तुम्हें प्रोटीन शेक बनाऊंगा एक बढ़िया चीज। नहीं तुम नहीं पीना, मेरे को पिला देना बस। मैं तो चॉकलेट शेक पीऊंगा, इसमें भी चॉकलेट पी रहा है। दो हफ्ते के लिए गया, दो हफ्ते उससे ज्यादा नहीं, नहीं यार कर नहीं पाते। बहुत बॉडी बन गई थी मैंने बोला, मैं 15 मिनट करता हूँ हफ्ते में एक बार। वैसे जिम गए हो आप, ज्वाइन किए? जिम में गया था, बहुत पहले गया था यार। भाई मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है, जब भी मैं जिम ज्वाइन करता हूँ ना एक हफ्ता मैक्सिमम, क्योंकि मसला पता ही क्या है, मसला पता ही क्या होता था, मैं जाता हूँ बॉडी बिल्डिंग के लिए, लेकिन वो बंदा मुझे भगाना स्टार्ट कर देता है। देख के तो ये होगा, गलत बात है ना यार, लेकिन मैं कब तक भागूंगा? अब वो कहता है हर हफ्ते हो, हर हफ्ते भागो, अब ऐसे थोड़ा ना होता है। हर रोज नहीं बुलाता, वैसे रोज का बंदा तुम्हारा रोज का बंदा है। अच्छा जो बॉडी बनाना है और जो वेट उतारना है ये बेहतर क्या है इसमें से? तो उसके लिए वेट उतारना ज्यादा बेहतर है या बॉडी बनाना? फंस गए ना? नहीं फंसे, इतना मोटा नहीं हूं, पता नहीं हूं। नहीं नहीं वो अलग तरीके से बातों में फंस गए ना, वो भी नहीं फंसे तो कहीं तो फंसे हो गए, फिर जवाब दे दो। देखो भाई बॉडी बनाना भी एक प्लेयर से मतलब के एक हद तक अच्छा है उसके लिए, लेकिन वेट उतारना इज नॉट गुड, मतलब वेट उतार देगा तो तुम्हारे जैसा हो जाता है सिंगल मछली, तो वो अच्छा नहीं लगता, तो मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे इस वक्त, सही है ना? तो हकीकत बात है, तो अब उसके लिए बंदे को चाहिए कि भाई उसी बॉडी के ऊपर वो अपने आप को बॉडी फैट काटे, फैट काटो भाई, कुर्बानी करो अपनी और फिर चर्बी निकाल दो और वापसी एक दवा जगह जोड़ो। क्या बातें कर रहे हो, इतना आसान नहीं है भाई, फैट काटो मुश्किल है, लेकिन चीज बर्गर वगैरह जो पड़ा हो तो फैट कैसे काटो, तुम जैसे लोगों के लिए मुश्किल होगा ना यार। अच्छा तो तुम्हें नहीं की पता? नहीं मैं तो मतलब खाया पसंद है लेकिन लिमिट में रख के खाता हूं, चीट भी खाते हैं, चीट मैं भी चीट मिल खाता हूँ।